नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन कैसे करें कलश की स्थापना, किस तरीके से माँ दुर्गा की पूजा उपासना करें, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो नवरात्र का क्या महत्व है ये भी पंडित जी से समझेंगे। साथ ही जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो आज क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ। साथ ही शुभ मंगल सावधान में जानेंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना होगा। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? दिनांक 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात 8:30 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, प्रातः 7:32 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 7:32 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज का दिन महत्वपूर्ण है, आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। पंडित जी, ये चैत्र नवरात्र का क्या महत्व है, कैसे देवी की पूजा उपासना करनी चाहिए? प्रवीण जी, वैसे तो हम ये समझते हैं या आम तौर पे लोग जानते हैं कि साल में 2 आती हैं, लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो नवरात्रि वर्ष में 4 पड़ती है। माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन, 4 नवरात्रि साल में पड़ती है। माघ यानी जनवरी में, चैत्र यानी अप्रैल में, आषाढ़ यानी जुलाई में और आश्विन यानी अक्टूबर में। 2 गुप्त नवरात्रियां होती हैं और 2 प्रकट नवरात्रियां होती हैं। नवरात्रि से वातावरण के तमस का अंत होता है, वातावरण की नकारात्मकता समाप्त होती है और सात्विकता की शुरुआत होती है। मन में उल्लास, उमंग और उत्साह की वृद्धि होती है। अब देखिए, दुनिया में सारी शक्ति, सारा वैभव, सारी संपन्नता नारी या स्त्री स्वरूप के पास ही है। इसीलिए चूंकि नवरात्रि में शक्ति पूजा होती है, इसीलिए नवरात्रि में देवी की उपासना की जाती है। नवरात्रि के 9 में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और हर स्वरूप से विशेष तरह का वरदान जीवन में मिलता है। और अगर आप नवरात्रि में 9 की साधना नियम के अनुसार सात्विकता और पवित्रता से करते हैं तो आपके ग्रहों की बाधा समाप्त हो जाती है। इस बार नवरात्रि 9 अप्रैल को आरंभ हो रही है और 17 अप्रैल तक रहेगी। इन 9 में हमें सात्विकता रखनी है, पवित्रता रखनी है, साधना करनी है और देवी की कृपा प्राप्त करनी है। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू करें। जी जी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है, मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा?
मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है, वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, धन के खर्चे बढ़ेंगे, वाहन सावधानी से चलाइए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, कर्जों से आपको राहत मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, आज से नवरात्रि शुरू हो रही है। पंडित जी, नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की परंपरा है, तो कलश स्थापना करते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या है इसके नियम? दो तरह के नियम हैं प्रवीण जी, एक तो नवरात्रि के अपने नियम हैं और पहले दिन कलश की स्थापना होती है उसके भी नियम हैं। तो नवरात्रि के नियम क्या हैं और कलश स्थापना के नियम क्या हैं? नवरात्रि में जीवन के समस्त भागों पर और हर समस्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। नवरात्रि के दौरान हल्का और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर आप व्रत उपवास रखते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, आप जल और फल का सेवन करें, और अगर आप भोजन करते हैं तो हल्का और सात्विक भोजन ग्रहण करें, प्याज लहसुन इत्यादि का प्रयोग ना करें। नियमित खान पान में जौ का और जल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। नवरात्रि में अधिक से अधिक पानी पिएं और अगर अनाज खाते हैं तो जौ का प्रयोग करें, अच्छा होगा। नवरात्रि में तेल मसाला अनाज और तामसिक आहार ग्रहण न करें, तेल मसाला और अनाज कम से कम खाएं, मांस मदिरा का प्याज लहसुन का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। नवरात्रि के पहले दिन अपने पूजा स्थान पर मिट्टी या धातु के कलश की स्थापना करें, उसमें जल भरें और जल में एक सिक्का डालें, कलश के मुख पर मौली लपेटकर एक नारियल रखें और कलश के चारों तरफ मिट्टी लगा करके उसमें जौ बोइएगा। कलश के निकट एक अखंड दीपक जरूर जलाइए। ये जो कलश है ये मानव शरीर का प्रतीक है। कलश का जल मानव की आत्मा और उसका मन है, और कलश के निकट जो आप दीपक जलाएंगे, हम ये मानते हैं कि ईश्वर प्रकाश के रूप में है, तो देवी को प्रकाश के रूप में हम अखंड दीपक जला करके स्थापित करते हैं।
तो अगर आप कलश स्थापित कर रहे हैं तो साथ में एक घी का दीपक भी जरूर जलाएं। 9 दिन तक इसकी यत्न पूर्वक रक्षा करें, क्योंकि देवी का वास्तविक स्वरूप उसी प्रकाश के रूप में आपके पूजा स्थान पर अगले 9 दिनों तक विद्यमान रहेगा। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है, कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा? कर्क राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, परिवार की मुश्किलें हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है, सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा? सिंह राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, परिवार के कार्यों में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। जिस रंग का प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा? कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, संतान पक्ष पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब वक्त है आपके सवाल का। सवाल लेने से पहले आपको बता दें कि आगे सक्सेस मंत्र जरूर देखिएगा, क्योंकि सक्सेस मंत्र में पंडित जी बताते हैं यदि आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके आप घर से निकले। इसके साथ ही ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में डे टू डे लाइफ में काम आने वाली चीजें पंडित जी बताते हैं। अब सवाल की बात कर ले, यदि आप सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर भाग्यचक्र@aajtak.com में भेज दें। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, अभी सवालों के पिटारे से पहला सवाल किसका ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न प्रतिभा पाल जी ने हमें लिखा है, मुजफ्फरनगर से लिखती हैं। 20 जुलाई 1987 का जन्म है, 6:25 प्रातः मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मैं व्यवसाय करना चाहती हूँ, क्या मैं व्यवसाय कर सकती हूँ और अगर नहीं तो मुझे कौन सी नौकरी करनी चाहिए और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? प्रतिभा जी, कुंडली आपकी बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष। महादशा राहु की और अंतरदशा सूर्य की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से आपके लिए व्यापार करना हर लिहाज से अच्छा होगा। अगर आप व्यापार में जाएं तो आप सफल होंगी। खाने पीने की चीजों का व्यवसाय, लिक्विड चीजों का व्यवसाय और सौंदर्य प्रसाधन का व्यवसाय करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा अगर आप करना चाहती हैं तो, और उसको करने का समय फिलहाल चल रहा है मई 2024 के बाद
आप कभी भी नया व्यवसाय शुरू कर सकती हैं और आपका व्यवसाय आपको शुभ परिणाम देगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मूंगा बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः, और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपको लाभ होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि नवरात्र के पहले दिन किस तरीके से माँ दुर्गा की उपासना करें ताकि आगे आने वाला समय आपका अच्छा बीते। पंडित जी, इस बार देवी का आगमन की सूचना मिल रही है, तो देवी किस वाहन पर सवार होकर आ रहे हैं? प्रवीण जी, हर बार जब देवी का आगमन होता है हर नवरात्रि में, तो उससे हम आने वाले समय के बारे में समझते हैं कि आने वाला समय कैसा रहेगा। हर बार नवरात्रि में देवी अलग अलग वाहन पर सवार होकर आती हैं। हर बार देवी का आगमन किसी विशेष वाहन पर होता है और इसकी गणना दिनों के आधार पर की जाती है, और देवी के आगमन से आने वाले समय के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला समय देश दुनिया के लिए कैसा रहेगा। इस बार देवी का आगमन घोड़े पर हो रहा है। घोड़ा जो वाहन है ये युद्ध का प्रतीक है और प्राकृतिक आपदाओं का प्रतीक है, यानी आने वाले समय में युद्ध जैसी स्थितियां और प्राकृतिक आपदाओं जैसी स्थितियां रह सकती हैं, ये संभावना बन रही है। एक आम आदमी के जीवन में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, बेवजह की दुर्घटनाएं हो सकती हैं, इसका ध्यान रखना होगा। तो देवी का जो वाहन है इस बार बहुत मंगलकारी नहीं है। देवी का वाहन है घोड़ा, और घोड़े की जो सूचना है वो इस बार अच्छी सूचना नहीं दे रही है। अब बात तुला राशि की, शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब बात वृश्चिक राशि की, मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, करियर के सारे काम पूरे होंगे, वाहन या संपत्ति का लाभ होगा। खाने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। जिस रंग का प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात धनु राशि की, बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है, कोई उपहार और सम्मान मिलेगा, करियर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं
वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि नवरात्र के पहले दिन कैसे आप माँ दुर्गा की पूजा उपासना करें। पंडित जी, पहले दिन कलश स्थापना करना होता है, आपने उसके नियम बता दिए कैसे करें। अब कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है, किस समय कलश स्थापना करना चाहिए? चूंकि कलश को हम शरीर का प्रतीक मानते हैं और ज्योति को देवी का प्रतीक मानते हैं, इसलिए मुहूर्त बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मानव के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है कलश की स्थापना। कलश की स्थापना चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को की जाती है और इस बार प्रतिपदा तिथि आज यानी 9 अप्रैल को रात में 8:30 तक है। इसीलिए कलश की स्थापना किसी भी हाल में रात में 8:30 के पहले आपको कर लेना है। सबसे अच्छा समय जो कलश की स्थापना का इस बार है वो सुबह 6:01 से 10:15 के बीच का है। समय अभी चल रहा है, सुबह 6:01 से 10:15 के बीच में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा दोपहर को 11:56 से 12:47 के बीच यानी अभिजीत मुहूर्त में भी कलश की स्थापना की जा सकती है। 11:56 से दोपहर के 12:47 के बीच आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, ज्योति प्रज्वलित करें और देवी की जो पूजा होती है वो करने का प्रयास करें। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि नवरात्र में कैसे आप माँ दुर्गा की पूजा उपासना करें और किन बातों का विशेष ख्याल रखें। पंडित जी, नवरात्र के प्रथम दिन माँ दुर्गा के किस स्वरूप का पूजन किया जाता है और किस तरीके से करें, किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, नव दुर्गा के नवरात्रि के हर दिन देवी के अलग अलग स्वरूप की पूजा होती है, उससे अलग अलग ग्रह भी शांत होते हैं और अलग अलग मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। नवरात्रि के पहले दिन नव दुर्गा के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ये संकल्प शक्ति की प्रतीक हैं। इन्होंने संकल्प लिया था कि भगवान शिव से विवाह करूंगी, ये संकल्प उन्होंने बाद में पूर्ण किया। अगर आप नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं तो डिटर्मिनेशन मजबूत होता है, संकल्प मजबूत होता है और ज्योतिष के अनुसार सूर्य नामक ग्रह आपका बेहतर होता है। तो अगर आपको सूर्य से संबंधित कोई समस्या है, अगर आपका कॉन्फिडेंस कमजोर है, आपके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है, संकल्प नहीं है, तो माता शैलपुत्री की पूजा करके ये चीजें आप निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। अब बात मकर राशि की, शनि की ये राशि है, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, तनाव बढ़ सकता है, परिवार में विवाद हो सकता है, करियर में कुछ परिवर्तन अवश्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब बात कुंभ राशि की, शनि की ये राशि है, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, कार्यक्षेत्र में लाभ होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात मीन राशि की, बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, धन की प्राप्ति होगी, कार्य क्षेत्र में आपको सम्मान मिलेगा, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, देवी की पूजा में नारियल का विशेष प्रयोग करते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए प्रवीण जी, देवी की जो पूजा है वो मुख्यतः हम बहुत सारे प्रतीकों से करते हैं, बहुत सारे प्रतीक हैं, सिंबल हैं। ये जो नारियल है ये मुख्यतः मानव की खोपड़ी का प्रतीक है। प्राचीन काल में देवी की पूजा में लोग बलि का प्रयोग किया करते थे, लेकिन कालांतर में बलि को सही नहीं समझा गया और बलि बंद कर दी गई। अब बलि के प्रतीक के रूप में नारियल को तोड़ते हैं। अगर आप नारियल को देखें तो उसमें दो आंखें, एक मुख, ये साफ तौर से बना होता है। ये मानव के खोपड़ी का या मानव के ब्रेन का, चेतना का प्रतीक है। जब आप नारियल देवी के सामने तोड़ते हैं या देवी को अर्पित करते हैं तो आप अपने ब्रेन को, अपने मस्तिष्क को, अपनी चेतना को देवी को अर्पित करते हैं, और इसीलिए नवरात्रि में इस तरह का प्रयोग करना आवश्यक होता है। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। पंडित जी, लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लिए आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, करियर में आपको लाभ होगा। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 5, इस समय करियर में कुछ परिवर्तन होगा। नंबर 6, संपत्ति का लाभ हो सकता है। नंबर 7, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, वाहन सावधानी से चलाएंगे। नंबर 9, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। अब समय हो गया है भाग्य पहर जानने का। पंडित जी, आज भाग्य पहर का समय कब से कब तक रहेगा और इस दौरान क्या करें? आज भाग्य पहर का शुभ समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 के बीच में। इस समय में माता दुर्गा की कपूर से आरती करिए। ऐसा करने से आपके शत्रु और आपके विरोधी परास्त होंगे। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में भी सवाल है तो अवश्य पूछिए। उसके लिए आप अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर भाग्यचक्र@aajtak.com में भेज दें। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, अभी सवालों के पिटारे से दूसरा सवाल किसका ले रहे? अगला प्रश्न हमें शक्ति सिंह जी ने लिखा है, वाराणसी से लिखते हैं। 11 अगस्त 1985 का जन्म है। 8:30 प्रातः वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मेरे लिए कौन सा व्यवसाय करना अच्छा होगा, मेरा आने वाला समय और मेरा भविष्य कैसा रहेगा।
शक्ति आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और आपकी राशि बनती है वृषभ राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा सूर्य की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से जमीन का प्रॉपर्टी का व्यवसाय करना या कोई प्रॉपर्टी बना करके उसका रेंटल इनकम लेना आपके लिए अच्छा होगा। जमीन या प्रॉपर्टी का व्यवसाय, रेंटल इनकम से फायदे, खेती किसानी का फायदा और वस्त्रों या होटल का व्यवसाय करना आपके लिए बेहतर होगा। आने वाला समय धन के लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे, किसी तरह की समस्या ना हो, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने। रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपका कल्याण होगा। अब बात सक्सेस मंत्र की। पंडित जी, आज के सक्सेस मंत्र में क्या है खास? बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। अगर आज कोई परीक्षा है आपकी तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, लाभ होगा। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा, आपको सफलता मिलेगी। अगर आपको चिकित्सा के लिए जाना है तो लाल चंदन का तिलक लगा करके जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर आपको कोई खरीदारी करनी है तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान जानने का। आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और पंडित जी, आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना होगा? बात करते हैं शुभ मंगल सावधान की। आज का दिन शुभ होगा मेष राशि वालों के लिए। हर तरह के कार्य में सफलता मिलेगी। आज का दिन मंगलमय होगा मिथुन वालों के लिए। धन का लाभ होगा, करियर में सफल होंगे। आज सावधान रहना होगा कन्या राशि वालों को। दुर्घटनाएं हो सकती हैं और स्वास्थ्य की मुश्किलें परेशान कर सकती हैं। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आज तक के साथ। भाग्य चक्र में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।